डीजो बर्ड्स जी रिसेंटली फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद के लिए लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को इसके बारे में एक रिव्यू दे दूं, अनबॉक्सिंग दे दूं। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो वीडियो को जरूर से देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजिंग कुछ इस तरह का आता है डीजो बर्ड्स जी। एंड यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स में यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है आपका क्या क्या इसमें है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ साइड में यहाँ पे डीजो रियलमी टेक लाइफ यहाँ पे दिया गया है। नाउ इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक यूजर गाइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि आपको कैसे क्या यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया, आप लोग खुद पढ़ सकते हो उसको। देन आपको एक टाइप सी केबल मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं केबल का क्वालिटी कुछ इस तरीके है, अच्छा खासा क्वालिटी का ये केबल है, टाइप सी केबल दिया गया है। नाउ यहाँ पे ईयर टिप्स आपको मिल जाते हैं कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं चार ईयर टिप्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। जो भी फिट आता है आपको आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आता है, ये केस कुछ इस तरीका का आता है, इसके अंदर हमारा बर्ड्स है। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही आप लोग इसको ओपन करते हो इस केस को, तो ये डायरेक्टली पेयरिंग मोड में चला जाता है। तो हम लोग इसको हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये केस कुछ इस तरीके का दिखने में लगता है। यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया टाइप सी का। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही है, और ये जो केस है ये मैट फिनिश के साथ, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से ये बहुत ही सही क्वालिटी है इस केस का। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक हाथ में आ जाता है ये। और एक चीज़ इसमें अच्छी बात है कि आप लोग एक हाथ से भी इसको ओपन कर सकते हो बहुत ही इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे एक एलईडी लाइट दिया गया है, एंड इसका जो कैप है ऊपर का वो भी बहुत ही अच्छे से बंद होता है, खुलता है बहुत ही सही तरीके से, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको बंद ओपन करने में भी। तो अभी हम लोग फाइनली बर्ड्स को निकालते हैं और देखते हैं क्या कुछ मतलब देखने में लगता है, कैसा क्वालिटी है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने निकाल लिया, अंदर में कुछ इस तरीके का दिखता है केस के अंदर में, थोड़ा बहुत साइन करता है। और यहाँ पे बर्ड्स देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है, बिल्कुल भी सस्ता क्वालिटी का नहीं लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है मेरे को। तो इसका जो कलर है ना ये डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइप से दिख रहा है, आपको शायद कैमरा में देखने को नहीं मिल रहा होगा मे बी। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये ब्लैक है, और यहाँ पे जो ये टंटी है ये आपको ब्लू टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है ये, और यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है जो केस में डालने से चार्ज हो जाता है। ये जो है काफ़ी लाइट वेट है, 3.7 ग्राम का ये ईयरबड्स है। थोड़ा सा हम लोग इसका मेन हाईलाइट फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 mm डायनेमिक बेस बूस्टर ड्राइवर मिल जाता है, 16 आवर्स का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल जाता है केस के साथ। एंड अगर आप लोग बर्ड्स की बात करो तो 3 से 4 घंटा इजीली चल जाता है। और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, इंस्टेंट कनेक्शन आपको मिल जाता है, इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन आपको देखने को मिलता है, ENC का सपोर्ट देखने को मिलता है, आपको ANC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग इंडोर में बात करते हो तो काफ़ी अच्छा सुनाई दे देता है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया में हो तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें ENC का सपोर्ट देखने को मिलता है, ANC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन वो आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ आपको 88 ms सुपर लो लेटेंसी देखने को मिलेगा गेमिंग में, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा गेमिंग के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो में बताने से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका जो केस है इसका मैग्नेट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनों सेक करने से यहाँ पे गिर नहीं रहा है, मतलब मैग्नेट भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक सप्ताह यूज़ किया इस ईयरफोन को, उसके बाद मैं आप लोग के सामने रिव्यू दे रहा हूँ, अनबॉक्सिंग दे रहा हूँ, तो इसका मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि रियलमी लिंक ऐप के थ्रू क्या क्या आपको इसमें फीचर मिल जाता है, क्योंकि दूसरे कंपनी जो है वो मतलब ऐप सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, इसमें आपको ऐप सपोर्ट भी मिलता है। तो जल्दी से हम लोग ब्लूटूथ ऑन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना फास्ट कनेक्टिविटी है। ये मैंने ओपन करा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। अभी इसको हम लोग ऑफ़ करके भी देख लेते हैं। इसको मैंने केस को जैसे ही ऑफ़ करा आप लोग देख सकते हो, और थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, उसके बाद ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीजो बर्ड्स जी आ चुका है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिलता है। आप लोग ऐप में देख सकते हो कितना कौन से ईयरबड्स में कितना बैटरी वगैरह है, सब कुछ देख सकते हो, और एक्स्ट्रा फीचर भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे कमेंट करना होगा। नाउ अभी हम लोग थोड़ा साउंड टेस्ट कर लेते हैं, कैसा इसका साउंड क्वालिटी है आप लोग खुद सुन सकते हो। मैं फुल वॉल्यूम पर रख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ध्यान से सुनना और पता लगाना। ओके,
तो दोस्तों बर्ड्स का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई है, फुल वॉल्यूम में आप लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते। अभी हम लोग टच टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं डबल टैप पॉज हो गया, फिर से प्ले हो गया, तो काफ़ी अच्छा टच भी काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इजीली काम कर रहा है, बहुत सही से काम कर रहा है, तो मतलब टच भी बहुत सही से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो लॉन्चिंग प्राइस 1299 का था, उसके साथ साथ अभी ऑफर में आपको 1499 का मिल रहा है, लेकिन इसका जो फाइनल प्राइस है 1999 यानी कि 2000 रुपया इसका प्राइस है। लेकिन अगर आपको ऑफर में मिलता है या डिस्काउंट में मिलता है ना, काफ़ी अच्छा डील मिल जाता है। तो फाइनली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, डीजो बर्ड्स जी मुझे पर्सनली कैसा लगा। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, उसके साथ साथ ऐप सपोर्ट मिलता है, वो एक चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आया। आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो टच वगैरह सारा कुछ, और बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था लेकिन मेरे लिए काफ़ी सही है बैटरी भी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो नीचे जरूर से कमेंट कर सकते हो या फिर सीधे मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, अगले फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।